शांतिशिष्ट अधिवक्ता सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ और यहाँ पर हम लोग हर वर्ष होली के पश्चात होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हास्य व्यंग रखते हैं। अब भी हम लोगों ने जिन कवियों का आवाहन किया था उसमें विनय वाजपेयी जी, अरविंद झा जी, प्रज्ञा वाजपेयी जी, व्याख्या मिश्रा, धनानंद पांडे और संजीव बड़ी बड़ी बातें करते, पूंजीपतियों से बिक जाते, जनता से खाते करते, नित्य विदेशी कंपनियों को खुले आम आमंत्रण है, बेचोगे सारा स्वदेश जो तुमने ठान लिया प्रण है, अरे देश द्रोहियों के तलवों में स्वाभिमान रखने वाले देशभक्त कहते हो खुद को, रखते हो तस्कर पाले, अरे आग लगा कर झोपड़ियों में बैठे ठंडी छाव में नेताजी तुम संभल के आना अब की मेरे गाँव में। बहुत आसान सी बात, शत्रुघ्न सिन्हा जी कल तक भाजपा में, आज कहाँ है आप लोग जानते हैं, तब मैंने बात की। अपना उल्लू सीधा हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, अपना उल्लू सीधा हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, निज धारा को त्याग सभी धाराओं में बह सकते हो, तुम सारे आदर्श स्वार्थ के खातिर छोड़ दिया करते, अनचाहों से भी पल भर में रिश्ते जोड़ लिया करते, अरे आत्मदाह कर डाले कोई या कोई विस्पान करे, चाह तुम्हारी दोनों स्थितियों में लाभ प्रदान करे, कुर्सी कुर्सी लटते रहते हो तुम भाव कुभाव में, नेताजी संभल के आनाद की मेरे गांव में, नेताजी तुम संभल के आनाद की मेरे गांव में। कहते हैं प्रतिभाओं के हाथ कटे हैं, बात कर रहा हूं, दंश झेल रहा हूं, तब बात की, प्रतिभाओं के हाथ कटे हैं, उर्मी व्याप्त निराशा है, लेकिन चिताता है बूंद बूंद पानी को तरसे, मग में कीचड़ भरा हुआ, अंधा कुप पड़ा गलियों में जनमानस से डरा हुआ, अरे उद्घाटन हड़ताल बंद और अभिनंदन के मेले से तुम्हें कहां फुर्सत मिल पाई, रैली और झमेलों से हुआ न कोई काम किसी का छाल, नेताजी तुम संभल के आना अब की मेरी गांव में। और बात की, समता का नारा देते हो, रक्तपात के पोषक हो, धन पशुओं के हाथ बिके पर मजदूरों के शोषक हो, आयुध अस्त्रों शस्त्रों में भी आप दलाली कर लेते, और विदेशी बैंकों में जा अपना खाता भर लेते, बने देश के नाविक लेकिन छेद कर दिया नाव में, नेताजी तुम संभल के आना अब के मेरे गांव में। और एक छंद बोली प्रहलाद से शुरू हुई। एक बार उधर एक कार्यक्रम कर रहा था, हमारे डीजी साहब थे, कहने लगे आप गाते हैं होली खेले रघुवीरा, वो हमें होली खेले रघुवीरा, होली तो कृष्ण की चीज है, हमने कहा सर पौराणिक कथा पढ़िए, होलिका का दहन अगले और अनादिकाल में हुआ था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तब वो प्रहलाद के समय की बात है, ये और पहले की बात है, प्रहलाद के वंश में रामचंद्र जी हुए। तब मैंने बात की, एक छंद मैं देना चाहता हूँ आपको भगवान राम का, क्योंकि आप कुछ लेके जाए तो और अच्छा लगेगा कि हमने राम को कहाँ देखा, कि मंदिर की मूर्ति में न राम ढूंढने से मिले, राम मिले दीन दुखियों की अंगनाई में, मंदिर की मूर्ति में न राम ढूंढने से मिले, राम मिले दीन दुखियों की अंगनाई में, शिशुओं के तोतरे बहन बीच मिले राम, राम मिले शिशुओं के तोतरे बहन बीच मिले राम, राम मिले ज्ञान रथ राम मिले शिशुओं के तोतरे बहन बीच मिले राम, मिले शिशुओं की परुणाई में, खेत में किसानों सीमा पर नौजवानों मध्य, खेत में किसानों सीमा पर नौजवानों मध्य, पति की प्रतीक्षा थके नयन में समाई में, और दादी दादा द्वारा निज पौत्रों को सुनाते कथा, दादी दादा द्वारा निज पौत्रों को सुनाते कथा, राम मिले गाय के रंभाते अरुणाई, क्या बात है, वाह गाय के
रमाते हैं रुनाई में एक छंद और है, राम मिलते हैं सुर तुलसी की कविता में, ज्ञान चक्ष खोलते हैं आप लोगों के लिए, राम मिलते हैं सुर तुलसी की कविता में, ज्ञान चक्ष खोलते हैं कबीरा की वाणी में, देह में रहीम के सुनाते मिलते हैं नीति, प्रेम रस घोलते कवित्व रस खाने में, मीरा महादेवी के विरह में मिलेंगे राम, चार छंदे में ही, चार छंदे में ही है नवोत्तम से ज्ञानी में, अब केतव की गूढ़ कविता ही में मिलेंगे राम, राम नहीं मिलते हैं ज्ञान की गुमानी में, क्या बात है, नहीं मिलते हैं ज्ञान की गुमानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाईचारे को बढ़ाना, होली एक मिलन का त्यौहार है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग अवश्य, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक प्रेम पूर्वक माहौल में यहाँ पर मनाते हैं। इस बार भी इसका आयोजन सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन में सौरभ सिंह गहलोत अध्यक्ष और कारवाक सचिव श्री विनीत चंद्रा जी के सौजन्य से यहाँ पर रखा गया, जिसमें कि जो कवि थे वो भोज कवि, आशु कवि, हास्य कवि और वीर रस के कवि, श्रृंगार रस के कवि, इन्होंने अपना कविता पाठ किया। उनमें विनय वाजपेयी जी ने वीर रस, व्याख्या मिश्रा जी ने श्रृंगार, अरविंद झा जी ने हास्य, संजीत द्विवेदी जी ओज कवि इस प्रकार से, और प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्ञा वाजपेयी ने वाणी वंदना, जो कि आवश्यक कार्यक्रम होता है हर कार्यक्रम में, उसका आह्वान किया था। साथ ही साथ धनानंद पांडे जी की अध्यक्षता में, जो कि कवियों के अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित रहे, उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को प्राप्त हुआ। पीयूष कांत मिश्र अधिवक्ता, यहाँ पर हम लोग जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ के वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल की अनुमति और ऊर्जा उपस्थिति हम लोगों को और अधिक प्रभावित करती है कि हम और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को कर सकते हैं। इसी के साथ अध्यक्ष रेड्डी बाल एसोसिएशन संघ के सदस्यों के कहने पर ये होली मिलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिष्ठित कवि उपस्थित हुए, उन्होंने हास, रंग, वीर रस की कविताओं को सुनाया, जिससे सदस्यों को पूरा मजा आया, पूरा उन्होंने आनंद दिया। इस कार्यक्रम के लिए मैं कवियों का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।